फिर हमें 100 साल पहले का सीन दिखाया जाता है। एक बच्चा होता है जिसके पास गॉड वाली पावरें होती हैं। वो आसमान से देख रहा होता है इन इंसानों को जो जमीन में घूमते हैं, जो जमीन में रेखते हैं, और वो आलोक होता है। और वो वहाँ पर कह रहा होता है, ये जितने भी इंसान हैं, ये अपनी जिंदगी में मजे नहीं कर रहे हैं, तो क्यों ना मैं इनके साथ खेलूं। फिर हमें युवा की फैमिली दिखाई जाती है जो की काफी खुश होती है और उनकी जिंदगी पीसफुली चल रही होती है। तभी उस दुनिया में अचानक से वॉर शुरू हो जाती है और कंट्री एक दूसरे से भिड़ने लगता है, यहाँ तक कि जो रीजनल कंट्री होती है वो भी। तभी वहाँ पर उन तीनों को समन किया जाता है, वो भी मरीन फोर्ड में, जहाँ पर उन्हें हथियार दिए जाएंगे और वो वॉर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यो ये सब बता रहा होता है और कह रहा होता है कि यही ऑफिशियल था, तो काइंड चौंक जाता है। उसके बाद वो ये भी बताता है, उनके समन होने से पहले एक हादसा हुआ था जिसमें वॉर के दौरान एक गाड़ी ने उनको कुचल दिया था, और वहाँ पर ऐसी चीजें चल रही थी, एक इंसान दूसरे इंसान को मार रहा था, जहाँ पे युवा कह रहा होता है कि मैं दूसरे बंदे को नहीं मार सकता हूँ। फिर वहीं पर युवा कह रहा होता है कि उसने किसी भी इंसान को नहीं मारा, तो उसे यहाँ पर समन क्यों गया है मरीन फोर्ड में, और उन्हें चिल्ला रहा होता है। जो प्रीस्ट होता है वो कहती है कि अब तुम्हारा मकसद यहाँ से चेंज हो गया है, तुम लोग अब हमारे लिए काम करोगे और हम तुम्हारे लिए एक प्रपोजल लाए हैं जो तुम्हें मानना होगा, क्योंकि तुम ही विक्टिम थे। तुमने देखा एक इंसान एक दूसरे इंसान को मार रहा था, किस तरह से वो क्रूर हो गया था, और तुम्हें ये प्रपोजल मानना होगा इंसानियत के लिए। ये सुनने के बाद तीनों मान जाते हैं और उन्हें रॉयल आर्मी में ट्रेनिंग दी जाती है, लाइफ कॉम्पैक्ट, साथ ही ऐसी पावर जिससे वो किसी को भी समन कर सकते हैं, और उनका लेवल काफी हाई होता है जिसकी वजह से वहाँ के जो लोग थे वो इन पर विश्वास करने लगे थे। साथ ही वो तीनों एडवेंचरस बन गए थे, उनने काफी ट्रेनिंग की थी। तो एक महीने बाद उन्हें गॉड्स का बुलावा आता है, तो वो उनसे मीटिंग करने के लिए जाते हैं, और जो ग्रेसस होते हैं वो कह रहे होते हैं कि हमने तुम्हें यहाँ बुलाया है क्योंकि तुम दूसरे दुनिया के हीरो हो और हमें तुम्हारी मदद चाहिए, और तुम लोग तो जानते हो एक ऐसा गॉड है जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है। तो युवा बताता है उसने सुना है और उसने देखा भी है कि दुनिया की क्या हालत हुई है, वो उस आलोक को नहीं छोड़ेगा। तो गॉड कह रहे होते हैं हमने उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, वो भी इंटरटेनमेंट गॉड की, तो उसे लोगों का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और उस गॉड की सीट का फायदा उठाया और लोगों को परेशान और लोगों के बीच में वॉर करवाया, और हमने कोशिश की कि हम उससे उसकी पावर ले लें, लेकिन ऐसा हम नहीं कर पाए क्योंकि वो हमसे ज्यादा ताकतवर है। हमने एक के बाद एक सोल्जर तैयार किए, उसे लड़ने के लिए हमने भेजा सोल्जर्स को, लेकिन वो उसके सामने नहीं टिक पाए। उसका जो मैजिक था बहुत ताकतवर था, साथ ही उसने इस दुनिया का ब्रेन वॉश कर दिया कि वो गॉड है, यानी कि ईवल गॉड। और जब लोग पढ़ते हैं तो उन्हें नहीं पता चलता कि ऐसा भी गॉड है जो उनकी दुनिया को डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो वो तुमसे रिक्वेस्ट करता है कि तुम उस आलोक को डिफीट कर दो और इस दुनिया को बचा लो। तो युवा ये भी बता रहा होता है कि वो आलोक से बहुत कमजोर था, लेकिन उसने बहुत सारी ट्रेनिंग की, उसको गॉड की तरफ से वो सॉर्ड मिली और साथ ही वो आर्मर मिले जो गॉड यूज करते थे अपने डिवाइन पावर से, और वो डिवाइन पावर भी मिली जिसकी मदद से उसने आलोक को सील किया। जैसा कि तुम ये वर्ल्ड को देख सकते हो, ये पहले वैसा नहीं था। और वहीं पर युवा ये भी बताता है उसे सीलिंग क्रिस्टल भी दिया था गॉड ने, अगर वो आलोक को नहीं मार पाता है तो सील तो कर ही लेगा। उसी के बाद वो तीनों अपने लेवल को टेस्ट करते हैं और गॉड की पावर से अपनी ट्रेनिंग को जारी रखते हैं, और उसके बाद लड़ने जाते हैं आलोक से, और कह रहे होते हैं आलोक से हमने तुम्हें ढूंढ लिया है और तुम अब अकेले हो, तुम्हारे जितने भी चमचे थे हमने उन्हें मार दिया है और तुम्हें भी खत्म कर देंगे, जिससे ये दुनिया एक सुरक्षित हाथों में चली जाएगी। आलोक मुस्कुरा रहा होता है और वहाँ पर जितने लोगों को मारा था उसने उनके ऊपर पैर रख के कह रहा होता है तुम एक होप मत पालो क्योंकि तुम भी यहाँ पर मारे जाने वाले हो। दूसरी तरफ जो आलोक होता है उसके पैरों के पास एक जिंदा आदमी तड़प रहा होता है, तो वो उसके ऊपर पैर रखता है, कह रहा होता है ये देख रहे हो ना, तुम लोग भी मेरे पैरों के नीचे आने वाले हो क्योंकि मैं हूँ गॉड और तुम लोग मेरे बराबर के नहीं हो, तो तुम लोग फालतू में इतनी मेहनत कर रहे हो, मैं तुम्हें एक झटके में खत्म कर दूंगा, अगर लड़ना है तो आ जाओ। यो उसके ऊपर चिल्ला रहा होता है कि ये तो तुम्हारे ही फॉलोवर्स थे ना, तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने उनको मार क्यों दिया। तो आलोक जवाब देते हुए कहता है कि तुम्हें पता है ना वो इंटरटेनमेंट गॉड है, उसको एंजॉयमेंट ये होती है, तो वो हर एक इंसान को एक इंसान से लड़वाता है जिससे उसको एंजॉयमेंट मिलती है, और मैं इन्हें स्लेव की तरह पालता हूँ और मैं तुम्हें भी अपना स्लेव बनाने वाला हूँ। तभी वहाँ पर एंट्री होती है मैगुमी की, वो अपना इन्फर्नो वाला मैजिक यूज करती है आलोक के ऊपर और उसका चेहरा जल जाता है, लेकिन वो बाद में हील भी कर लेता है और वो कह रहा होता है कि तुम इतना ही बस कर सकते हो, तो चलो मुझे एंटरटेन करो क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत बोर हो रहा हूँ। तो जो युवा और सिया होते हैं वो दोनों अपना अटैक करते हैं लिमिट ब्रेकर, और जो आलोक होता
होता है वो इस अटैक को बड़े आराम से रोकता है। फिर वो कह रहा होता है कि वो बोर हो रहा है तो वो एक झटके में खत्म कर देगा और आसमान में कई सारी शॉट आ जाती है। परमिशन देता है जिससे वो शॉट उन तीनों के ऊपर गिर जाए और वहीं पर प्रिंसेस होती है जिसे बचाने के लिए मैगुमी अपना सेक्रीफाइस दे देती है। और जो प्रिंसेस होती है वो मैगुमी को हील भी नहीं कर पाती क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही एडवांस लेवल का जादू होता है जिसकी वजह से सिया को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने आप को बूस्ट करता है और आलोक के ऊपर अटैक कर देता है और वो अपना शॉट उसके अंदर घुसा भी देता है। लेकिन जो आलोक होता है वो कहता है कि तुमने तो मुझे मार दिया। फिर वो हंसते हुए कहता है कि मैं तो मजाक कर रहा था, आगे तुम जैसा बंदा मुझे मार कैसे सकता है। और वो उसी की शॉट से सिया को मार देता है। तभी सिया पीछे देखता है और युवा को कहता है कि जल्दी से सील करो, यही तुम्हारा टाइम है। युवा तैयार होता है उस क्रिस्टल के साथ। फिर युवा क्रिस्टल को कह रहा होता है कि वो विश करता है कि ये इविल गॉड वैनिश हो जाए। और जो आलोक होता है वो घबराने लगता है और वो चिल्लाने लगता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते और वो क्रिस्टल में ही सील हो जाता है। वहाँ पे जितने भी सोल्जर होते हैं वो काफी खुश हो रहे होते हैं। फिर वो जो वॉर होती है वो लोगों की रुक जाती है और उनकी जो मेमोरी होती है वो भी वापिस आ जाती है जिससे वो एक दूसरे से नहीं लड़ते हैं और वहीं पर रुक जाते हैं। आलोक के सीन होने के बाद सबकी मेमोरी मिट जाती है कि ऐसा कोई गॉड भी था जिसने उनकी दुनिया को हिला के रख दिया था। सारी कंट्री खुशी से जी रहे होते हैं। और जो मैगुमी और सिया है उन्होंने कहा था कि उनका जो बच्चा 20 साल का होगा तो वो उसको थ्रोन देंगे क्योंकि उनके मरने के बाद वो दोनों एक दूसरे डायमेंशन में चले गए थे और वो एक रास्ता खोज रहे हैं कि वो हमारे डायमेंशन में आ पाए और तुमसे मिल पाए। ये स्टोरी युवा बता रहा होता है काइंड को और इस बात से जो काइंड होता है वो इमोशनल हो जाता है लेकिन खुश भी होता है कि उन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। और उसे अपनी पिछली बातें याद आती हैं कि उसने उन बच्चों को बचाने के लिए अपनी कुर्बानी दे दी थी जिसकी वजह से वो इस दुनिया में समन हुआ और उसे ये पावरें मिली जैसे उसके मॉम डैड ने किया इंसानों को बचाने के लिए। वो भी वैसा ही करेगा, वो इंसानों की दुनिया को बचाएगा। और वो ये भी कहता है जब आलोक की सील ब्रेक होगी तब वो उसको नहीं छोड़ेगा, वो इस बार उसे खत्म कर देगा क्योंकि उसे लेना है अपने माँ बाप का रिवेंज। तो उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना क्योंकि उसकी अभी भी थोड़ी सी ट्रेनिंग बाकी है। फिर युवा वहाँ पे बताता है कि ये मरीन सान की ग्रेप है। तो काइन कहता है कि मरीन सान अब उसके मॉम एंड डैड आपकी केयर में है तो उनका ध्यान रखना। फिर उसी के बाद वो चिल्लाने लगता है कि उसे याद आता है इतने साल बीत गए, उसकी हाइट बढ़ गई और उसका जो हुलिया था वो भी बदल गया। अब वो अपनी दुनिया में जाएगा तो किसको फेस कर पाएगा, यहाँ पर तो वो 17 साल का हो गया है, अब उसे तो कोई पहचानेगा भी नहीं, वो मेंशन जा ही नहीं सकता है। वो इतनी बकवास कर रहा होता है कि उसे पता नहीं होता है कि उसके सामने गॉड खड़ा है। और युवा तुरंत ही उसको वापिस उसके नॉर्मल एज में ला देता है और काइन खुश हो जाता है ये देखने के बाद और शुक्रिया कहता है युवा को। युवा कह रहा होता है कि ये शॉट ले जाओ, आलोक को मारने के लिए तुम्हारे काम आएगी, ये शॉट मुझे जीजीस ने दी थी तो अब मैं ये तुम्हें दे रहा हूँ, इसे तोड़ना नहीं क्योंकि ये पास्ट में भी यूज हो चुकी है और मैं तुम्हें एक लेटर दे रहा हूँ जो तुम किंग को दे देना। और युवा ये भी कहता है कि तुम्हारा जब भी मन करे तुम इधर आ सकते हो, ये तुम्हारा ही एक घर है। तो जो काइंड होता है वो कहता है कि इन सब चीजों के लिए शुक्रिया, तो वो यहाँ से चलता है और वो टेलीपोर्ट होके अपने घर पहुंच जाता है। दूसरी तरफ जो युवा होता है वो सिया और मैगुमी की जो ग्रेवयार्ड होती है उसे देखकर इमोशनल हो रहा होता है और कह रहा होता है कि कितना जबरदस्त बच्चा है, ये एक अच्छा इंसान बनेगा। तो इसी के साथ एपिसोड भी खत्म होता है।